चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? तो ये था बोपला विद्रोह। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1858 ईस्वी में, 1898। अगला, तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, 1916 में। याद रखिए तिलक का नारा था ये कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष। अगला, किसने कहा था कि मुस्लिम सुरक्षा मांगकर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू से अस्वीकार करके उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला, स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने विकसित किया? तो इंडियन मुस्लिम लीग ने। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बेउमचंद बनर्जी। अगला है, गांधी के आंदोलन को राजनीतिक फिरोस्ती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिनलेथगो ने। अगला है, 1857 के बरेली विद्रोह नेता कौन थे? खान बहादुर। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? अंग्रेज जॉर्ज। अगला है, दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी थी, उसका नाम था जीनत महल। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड क्रास। अगला क्वेश्चन है, कौन वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? लॉर्ड मेयो। अगला है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा? वैलेंटाइन चिरोल ने। अगला, जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार वाकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये थे रहीम तुल्लाह सयानी। अगला है, कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्रनाथ सान्याल। अगला है, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है, प्रेस पर से सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मैटकॉफ। अगला है, 1908 में किस नेता को 6 वर्ष का कारावास की सजा हुई थी? ये थे बाल गंगाधर तिलक। अगला है, एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया? कॉमन व्हील का। अगला है, हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया? मद्रास में। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। अगला है, महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फंटम राइजेज रेजिज जस्ट नॉट लेवल किसका था? ये डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। अगला, किस मुस्लिम नेता ने भारत को विभाजन ट्रीचरस एक्ट विश्वासघात का कार्य कहा? खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ सैंड्स ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच वर्ल्ड be larger than that of the Congress. महात्मा गांधी का ये कथन था, आउट ऑफ सैंड्स ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट विच बोल्ड बी लार्जर देन दैट ऑफ कांग्रेस। याद रखिए महात्मा गांधी का कथन था। अगला 1857 का विद्रोह। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रमशः कौन थे? अशोक मेहता 1857 का विद्रोह के लेखक थे। भारतीय स्वतंत्रता युद्ध इसके थे सावरकर। अगला है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना किसने और कब की? तो BR अम्बेडकर ने 1920 में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। अगला क्वेश्चन है 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में। अगला किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिवेशन द्वारा, 1909 के अधिनियम एक्ट द्वारा, ठीक है। अगला खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। अगला मोहम्मद तिक में शामिल थे KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तेब जी। अगला कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में। अगला किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों उपवास के पश्चात दम तोड़ा था? जतिन दास ने। अगला है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू, यूपी की। अगला है वहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करना। अगला है भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 को किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण। अगला भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए थे? अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है मासिक पत्र का बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 में विकासन किसने प्रारंभ किया था? वाकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला है ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है? यह कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है किस क्रांतिकारी ने कहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है, हिंदू धर्म हमारा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शन करेगा? तो ये थे अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना में। अगला है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की? 1857 में। अगला है स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय ही। अगला 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत के पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता दी थी? नेपाल ने। अगला है कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया? पहली और तीसरी बैठक में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किसने की थी? किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। अगला है भारत में पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को, 23। अगला है बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1929 में। अगला है तिलक ने यह घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो याद रखिए 1916 में। अगला है मंगल पांडे जिनके अकेले ही अंग्रेजों के खिलाफ की थी किस ब्रिटिश इंडियन सेना से संबंधित थे? बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव एंड से। अगला है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? अशोक मेहता ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। अगला है किसान विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बन गए? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है हमारा खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा किसानों के ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान था ये। अगला है रॉलेट एक्ट के विरोध में लगाम न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी सिद्धानंद ने। अगला कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। अगला है विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? काजी नजरुल इस्लाम ने।